सत श्री अकाल जी, सारियां नूं स्वागत करती हूँ। मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। अज की इस वीडियो दे विच असी मैथ दे नाल रिलेटिड कुछ इंपोर्टेंट MCQ दा पार्ट टू करन जा रहे हैं। MCQ इस तरह के तुसीं देख सकते हो, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम दे विच एक नंबर दे जां दो नंबर दे भी आ सकते हैं, क्योंकि तुहानूं पता है ये जिहड़ा साडा मॉक टैसट आ, असी चार टॉपिक कवर कर रहे हैं मॉक टैसट दे विच, जिस तरह परसेंटेज, फ्रैक्शन ते डैसीमल। तो उस तो इलावा एक टॉपिक मैं तुहानू कल बोर्ड पर भी लिखवा के दसिया सीगा कि असी चार टॉपिक सिंपलीफिकेशन, ठीक है, ये चार टॉपिक साडे कवर हो जाएंगे। तो चार टॉपिक्स के विचों मैं तुहाडे लई मॉक टेस्ट तैयार किए। कल वाला मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट सी, जिस दे विच मैं नाल नाल बेसिक क्लीयर किया। जेकर तुसी वो नहीं अटैम्प्ट किया तो पहला पार्ट वन अटैम्प्ट करो, उस दे साम माप कढ़ के देखो, दूसरे पार्ट नूं एज अ टेस्ट मानते हुए वीडियो नूं बंद करके खुद करन दे कोशिश करो। जिथों ना पता लगे फिर ही वीडियो नूं देखना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असी अज की यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर वन, 62.5 डिवाइडेड बाय 0.25 माइनस 0.5 इंटू 25। इस दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जेकर तुहाडे कोले सब तो पहला ब्रैकेट आउंदी है तो तुसीं ब्रैकेट वाला सॉल्व करना, पर हुण साडे कोले ब्रैकेट है नहीं गी। तो ब्रैकेट तो भी पहला तुहाडा की है प्रोसैस कि जेकर ब्रैकेट दे विच डिवाइड दिता होया तां पहला डिवाइड नूं खत्म करन दी कोशिश करो। जिस तरह साडे कोले इह डिवाइड पाया होया तुहानूं दिख रिहा होवेगा, तो इस डिवाइड नूं खत्म करन दी कोशिश करो। इहदा मतलब की आ, 62.5 डिवाइडेड बाय 0.25 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 25। पहला असी डिवाइड खत्म करना होंदा, उस तो बाद मल्टीप्लाई वाला प्रोसैस। तुसी देखो दो टर्म्स बन रही हैं, पहली का कनैक्शन पहली दे नाल आ, ठीक है, दूसरी का, तो इन दोनों का आपस दे विच, उस तो बाद असी माइनस करेंगे तो इनू भी असी नाल ही अटैम्प्ट कर लैंदे हां नाल ही। तुसी देखो 25 किन्ने होंगे, 125। मैं तुहानू कल भी दस्सिया सी जदों भी असी पॉइंट्स नू मल्टीप्लाई करना होंदा, पॉइंट्स वाले नंबर नू मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दो। ये ना देखो कि मूहरे जीरो पिया वा, जीरो नू असी किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करांगे तो यदा जीरो बनेगा नहीं। तुसी देखो आफ्टर पॉइंट भी तो कोई डिजिट है ना, तो जिहड़ा पॉइंट आफ्टर पॉइंट डिजिट आ उहनू भी नाल ही मल्टीप्लाई लेना वा। पॉइंट नू भुल जाया करो, एक मिनट के लिए तुसी पॉइंट नू भुल जाओ कि पॉइंट है। तुसी देखो 25 किन्ने होंगे, 125 होंगे, ठीक है। हुण तुसी देखो 25 125 होंगे, पर इहदे विच की आ आफ्टर पॉइंट वन डिजिट आ, पर ये पॉइंट तो बाद कोई भी डिजिट नहीं गा, ना ही पॉइंट है, ठीक है। तो ये आफ्टर पॉइंट वन डिजिट आ तो तुसी भी क्या करो, पिछों काउंट करना हुंदा सी हमेशा ही, एक डिजिट छड के पॉइंट ला दो। जे मान के चलो इत्थे भी पॉइंट हुंदा, तुसी की है पॉइंट नू भुल जाना, उस तो बाद तुसी देखना 25 125, एक पॉइंट ए पिया एक ए पिया, किन्ने पॉइंट हो गए, दो डिजिट छड के। तुसी की करना, पहला देखो एक डिजिट छड के लग्या फिर एक डिजिट, टोटल किन्ने डिजिट हो गए, दो डिजिट हो गए, तो दो डिजिट छड के तुसी पॉइंट लगा दोगे। हुण पर साडे कोल एक ही आ तो असी एक छड के पॉइंट लगाता, तुहाडे कोल आ गया 12.5, ये तो हो गया साडे कोल सॉल्व, ठीक है। अगे देखो की आ कि असी डिवाइड खत्म कर रहे हैं, ये वाला डिवाइड जो खत्म करना है, तो इस दे विच तुसी देखो सब तो पहला 62.5 है, आफ्टर पॉइंट किन्ने डिजिट है, एक, तो हेठा एक जीरो ला लो नाल वन पा लो। सेम इस तरह अगे दिता हो 0.25 आफ्टर पॉइंट किन्ने डिजिट है, दो, तो सेम उ लिखो 25 डिवाइडेड बाय आफ्टर पॉइंट दो डिजिट है तो दो जीरो लगा लो नाल वन पा लो, ठीक है। माइनस 12.5 एज इट इज़ नाल रखो। उस तो बाद कल मैं तुहानू फ्रैक्शन नू सॉल्व करना सिखाया सी, ते फ्रैक्शन टॉपिक दे विच भी आपां फ्रैक्शन नू सॉल्व किया, तो इहदे विच तुसी देख सकते हो जो डिवाइड साडा मेन आ उहनू तुसी मल्टीप्लाई रिप्लेस करके उस तो बाद रेसीप्रोकल करना दिस टर्म दा जो भी नाल पई आ, ठीक है। तो जो असी रेसीप्रोकल करांगे इत्थे बन गया 100 / 25, जीरो नाल जीरो कैंसल, तुसी सीधा इतों भी कट कर सकते हो, 25 एकम 25 25 चौका 100, ठीक है। तो इतों जीरो नाल जीरो भी कट कर सकते हो, जिमें भी तुहानू ईजी लगता तुसी कर सकते हो। तो सब तो पहला जे तुसी इस तरह भी नहीं करना चाहते, तुहानू पता है 25 नू 25 नाल गुणा करांगे तो 625 बनता, क्योंकि 25 दी घात 2 625 हुंदा, ठीक है। नाल आ जीरो एक पई सीगी, ए जीरो नू मैं जीरो नाल कैंसल करता, तो आ जीरो वाधू पई है जो एक्सट्रा, इहनू नाल लगा लो, तो किन्ना बन गया इत्थे तुहाडे कोले 250, ठीक है, 250 ही बनिया। तो नाल की पिया वा 12.5 माइनस 12.5, 12.5 जो तुसी माइनस करोगे, देखो मैं पॉइंट्स नू भी माइनस करना दस दिनी हाँ,
जिम्मे 12.5 आ पहला तो तुम ये मगर देखो पॉइंट है नहीं गा दूसरे दे विच ना सब तो लास्ट से जाके ये तो बिल्कुल यदि सामने तुम पॉइंट लगा लेना उस तो बाद दो डिजिट दिते तो हेठा पा लेना जो पॉइंट तो पहला दिते आ जो आफ्टर पॉइंट दिता है उन्होंने साइड पर लिख लो पॉइंट तो बाद ही लिखना वा पर ये हम पॉइंट नहीं गा तो जीरो पॉइंट ला के अपने आप जीरो लगा लो इस तरह माइनस करते होंगे असं बेसिक हाँ जोड़ा असं थर्ड क्लास के करते हैं दस चो पाँच गए पांच पॉइंट की जगह पर पॉइंट लगा लो इतने थोड़े आप लग जाएंगे नौ नौ चो दो गए सत्त तो इतने थोड़े को रह जाएंगे मगर चार चार चो एक गए तीन 237.5 आंसर आ ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें समझ आया होगा हो सकता लेंथी लग्या हो पर मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ जिस मैं तो छोटा छोटा कंसैप्ट दसना पैंता जिस तरह थर्ड क्लास का कंसैप्ट ठीक है पर जेकर तुम एक बार कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है तो इसको करने सेम यही मैथड न कुछ भी सैकेंड भी नहीं लगनगे कुछ क सैकेंड भी नहीं लगनगे ठीक है सिंपल है कि दो तीन सैकेंड अटैम्प्ट कर लोगे पर कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी आ प्रैक्टिस अपनी वध तो वध करो जिनी तुसी कर सकते हो कोई भी किसी भी क्लास का मैथ लैके प्रैक्टिस कर सकते हो तुसी एट्थ तक का ओके अगे देखो सैकेंड सम 12 × 12 हाँ जी 12 × 12 +12 डिवाइडेड बाय 0.04 फिर इन सारे ही डिवाइड कर रही हाँ कला 4 तो दसो आंसर कितना होगा हाँ जी वीडियो नू रोक के तुसी खुद कर सकते हो पहला तुसी देखो मैं तुहानू बोलिया कि असी डिवाइड खत्म करना होंदा पर सेंटर च तो प्लस पिया ना प्लस का मतलब की है कि आह टर्म अलग आ आह टर्म अलग आ बस तुसी इन्ना याद रखो बाई चांस ये कन्फ्यूज हो रहे नहीं तो पता लग रहा कि फस्ट स्टैप साडा की है कि डिवाइड खत्म कर दो उस तो बाद मल्टीप्लाई खत्म करनी है फिर असी प्लस माइनस से आना पहला देखो फिर असी डिवाइड ही खत्म करते हैं यदा मतलब यही है ना डिवाइड खत्म करने तो बाद 0.04 बन गया थोड़े को फिर एक प्रोसैस मैं थोड़ा की दसी है कि तुम की करो पहला ही पॉइंट हटा लो पहला ही पॉइंट हटा लो पहला पॉइंट हटाओगे आफ्टर पॉइंट दो डिजिट आ हेठा दो जीरो लगा दो नाल वन पा दो ठीक है पूरे ब्रैकेट ने फोर से डिवाइड होना लास्ट से इस गल का भी ध्यान रखना इनू नाल दी नाल ले चलो फिर देखो 12 × 12 इनू एज इट इज़ रख लो प्लस 12 हुण इहदे हेठा कुछ भी नहीं गा इहदे हेठा मैं वन मान लैनी हाँ तो यह भी फ्रैक्शन होगी ये भी फ्रैक्शन होगी तो मैं तुहानू कल दस्सिया कि ते उस तो पहला भी फ्रैक्शन वाले टॉपिक दस्सिया वा कि असी जो भी फ्रैक्शन सॉल्व करना वा दो फ्रैक्शन आपस दे विच डिवाइड्स हो रही ने तो तुम्हें की करना जो डिवाइड का निशान उन्होंने मल्टीप्लाई चेंज कर लो जिमें ही तुम मल्टीप्लाई चेंज करोगे ये जो नाल टर्म पई है यदा अल्ट हो जाना यानी कि इन्हें 100/4 बन जाना हाँ जी हुण देखो की होंगे एक चौका चौका 25 × 100 होंगे 25 × 12 नाल मल्टीप्लाई करोगे 25 × 2 50 तो इतने तुहाडे कोले बन जाना वा 300 ठीक है तो इधर जो मूहरे साढ़े कोले आ डिवाइड असी सारे सॉल्व कर ले 300 बन गया अगे की पिया वा प्लस तो नाल की आ 12 × 12 नाल गुणा करांगे 144 हुंदा 12 × 12 144 हुंदा 12 की घात 2 144 हुंदा मैं तुहानू पहले ही बोलिया सी कि 1 to 20 तक तुसी जेकर स्केयर याद कर लैंदे हो स्केयर रूट घात 2 तो 1 to 10 तक जेकर तुसी क्यूब याद कर लैंदे हो तो तुसी मैथ विच आसानी के नाल तुहाडी कैलकुलेशन अपने आप ही है कि फास्ट होगी तो उस दे लई मैं तुहानू शॉर्ट ट्रिक्स बड़िया करवाइया हुई ने तुसी चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हो जिहड़े स्टूडेंट पहलां तो ही जुड़े हुए उन्होंने तो पता होगा हाँ जी अगे देखो 144 + 300 इन्ना बन गया नाल 4 डिवाइड हो रहा जो तो 144 ऐड करोगे इतने तुहाडे कोल बन गया 4 + 4 + 4 यानी कि 444 तुहाडे कोल बन गया अगे तुसी डिवाइड कर देना इहनू 4 ते जदों तुसी 4 ते डिवाइड करोगे तो की हुंदा 1 चौका चौका 1 चौका चौका 1 चौका चौका मतलब चार एक एक ते गया वा दिख रहा वा सानू एक ते ही जाएगा तो तुसी देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इत्थे तुहाडा राइट आंसर हो गया हाँ जी जेकर इत्थे तक वीडियो चंगी लगी है तो प्लीज़ वीडियो नू लाइक अते शेयर जरूर कर देना अगे असी करदे हां क्वेश्चन नंबर 3 3 दे विच की बोलिया होया कि 41.8 दा किन्ने प्रतिशत 125.4 बनेगा 41.8 दा किन्ने प्रतिशत 125.4 बनेगा हाँ जी मैं तुहानू बोलिया सी प्रतिशत ठीक है 41.8 दा
किन्ने प्रतिशत 125.4 होगा। मैं तुहानू कल भी दसिया कि 41.8 दा दी जगह ते गुणा कर लो, क्वेश्चन मार्क असी फाइंड आउट करना है। इहदी जगह ते तुसी एक्स भी लै चलदे हो, उहनू एज इट इज़ भी रख सकते हो। तो इहदी जगह ते परसेंटेज का मतलब होंदा 1/100, मैं लगा लिया नाल 125.4। क्वेश्चन मार्क की जगह पर तुसी एक्स वाई कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, ठीक है, तुहाडी मर्जी अपनी। अगे देखो तुसी 41.8 है, पहला इहदा पॉइंट हटा लैनी आ मैं, किन्ना बन गया 125। आफ्टर पॉइंट एक डिजिट आ, आफ्टर पॉइंट एक डिजिट आ तो हेठा मैं एक जीरो लगा ली, सेम एज इट इज। आफ्टर पॉइंट एक डिजिट आ तो हेठा मैं एक जीरो लगा के वन पा लिया। हुण ये जिहड़ा 10 आ इधर डिवाइड हो रहा, दूजे पासे जाके की हुंदा मल्टीप्लाई, दूजे पासे मतलब बराबर दे दूसरे पासे। हुण आ 418 इस टर्म नाल की हो रहा मल्टीप्लाई, तो दूसरे पासे जाके की होवेगा डिवाइड। 10 नाल 10 कैंसल, 12 54 418। जो भी इस तरह की टर्म्स आ रही आ जाए ने, तो मैं दिख रहा वा कि 8 के पहाड़े के 4 मगर जिदे बनता वोट वो वाली टर्म आती है। देखो 8 किन्ने होंगे 24 होंगे, 8 24 होंगे, तो मतलब ये मगर 4 बन रहे। मैं लग रहा कि 3 तो यदा आपस के कोई ना कोई कनैक्शन होगा, तो असं की 4 418 3 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 किन्ने होंगे 24, 2 गए हासिल, 1 8 8 2 10, तो फिर 8 8 8 4 किन्ने होंगे 8 4 32 32 तो हाँ जी सॉरी इतने मिसटेक हो गई, 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं असी, 3 मैं 8 कर रही थी 3 करनी है, ठीक है। जो असी 3 मल्टीप्लाई किया करके देख लें कि ये वाली टर्म बन रही है, तो जो असी मल्टीप्लाई करा 8 किन्ने होंगे 24, 2 गए हासिल, 1 3 10 3 2 5 4 3 12। हाँ जी यदा मतलब की है कि 3 तो आराम कट्टिया जाना, 418 3 1254 हों, ठीक है, इतों पता लग रहा, क्योंकि इतों देख के ही पता लग गया कि ये मगर 4 आते मगर 8 आ। जो असं छोटे तो छोटे टेबल पर कट्टा तो भी आराम कट्टे जाने, पर टाइम बहुत लगेगा, पर इतों ही पता लग रहा वा कि हो सकता 8 3 24 होंगे कि 3 तो चलिया जाए, ठीक है। हूँ देखो अगे इतने तुहाडे कोले की बचिया सी 1/100 नाल क्वेश्चन मार्क, तो इतने तुहाडे कोले कितना बन गया आ 100 आ जिहड़ा, इधर तो मल्टीप्लाई हो रहा वा तो दूसरे पासे जाके की होगा डिवाइड, तो इतने कला 3/1 आ गुणा 100, तो आंसर आएगा तुहाडा 300। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाँ जी अगे असी करते हैं फोर्थ सम, फोर्थ सम भी तुसी आप करन दी कोशिश कर सकते हो। फोर्थ सम दे विच की है मिक्स फ्रैक्शन आ, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब की है हुण जिहड़ा 6 आ ना तो उपर आ ना हेठा, मैं सेंटर च पिया, मैं चाहनी हाँ कि उपर चलिया जाए। उपर असी सीधा तो ले जा नहीं सकते, गुणा करके लै जाएंगे, 3 नाल गुणा करके मैं उपर लै जाऊंगी, 6 3 18 जो उपर पिया उहनू जोड़ दूंगी, ठीक है, बटे च 3 ही रह जाना। 33% 120 दा किन्ने परसेंट बने, किन्ने परसेंट नहीं पुछया, किन्नवा नंबर होगा 120 दा, तो मतलब वह भी उस तो बाद हाफ करना वा। ये की है कि तुम्हें क्वेश्चन मार्क लभना सिंपल, तुम सॉल्व करना शुरू कर दो। दा की जगह पर मैं पहले ही दसिया मल्टीप्लाई लैनी होंगी है, दा की जगह पर असी की करना मल्टीप्लाई ले लेनी है। हाँ जी इतने 18 + 2 कि बन गया 20/3, दा की जगह पर मल्टीप्लाई इतने बन गया तुहाडे कोले 33/100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज लगी है, परसेंटेज का मतलब होंगे 1/100, तो 220 दा दा जगह पर मैं पहले ही बोलिया कि गुणा ले लो, ये वेरिएबल लै सकते हो तुसी क्वेश्चन मार्क की जगह पर भी। अगे देखो इस 0 नाल ए 0 कैंसल हो जाऊ, 1 3 30 11 3 33, ठीक है, 11 3 किन्ने होंगे 33, तो 1 0 हेठा पई है 11, तो इतने किन्ना बच गया 2, उपर वाले नाल ही मल्टीप्लाई होंगे 11 × 2 22/10, 220 गुणा क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 2। हुण तुसी देखो इत्थे 22/10 आ, तो आ 220 की आ, इधर की हो रहा वा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा, तो इधर आगे की होगा डिवाइड ही होगा, जे इधर आगे डिवाइड होगा तो 1 डिवाइड तो हेठा भी पिया वा 10, ये तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये आगे डिवाइड च लग जूगा, ये 2 आ जिहड़ा इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा, तो इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क असी फाइंड आउट करना, हुण इहनू सॉल्व कर लैंदे आ, 22 1 22
इतने बन गया तुहाडे कोले 10, ठीक है। फिर अगे इतने तो बन गया तुहाडे कोले, तुसी इदां भी नहीं कि तुहानू देखो तुसी ऑप्शन दे विच 0. समथिंग आ रही ऑप्शनस, तो तुसी की करो जिथे जो भी बच गया जीरो जी इनू कट्टन नवा देना, जे तुसी कट्टोगे तो इतने 50 बन जाएगा, 50 नू फिर डिवाइड करोगे तो फिर बहुत टफ बन जाना, मतलब कि 1-2 सैकेंड एवं फालतू के लग जाने। तुसी देख रहे हो 10 × 10 किन्ने होंगे 100, उपर कि पे वा 2, हुण देखो हेठा 2 0 आ, हेठा 2 0 आ, थोड़े कोले उपर कला 2 पिया वा, हेठा 2 0 आ, तुसी की करना 2, हुण हेठा जे दियां भी 0 होण उन्ने डिजिट छड के पॉइंट ला दो, तो असी 2 डिजिट छड के पॉइंट लाने पर 1 डिजिट की घाट है, अगे 0 लगानी, अगे लगानी है पिछे नहीं लगानी, ठीक है, क्योंकि आफ्टर पॉइंट 0 का कोई भी मतलब नहीं होंदा। तो 0.02 आंसर आएगा तुहाडा, 0.02, क्यों, क्योंकि देखो हेठा 2/100 आ, 2 0 दित्तियां हेठा, 2 0 दित्तियां तो मतलब की है तुसी 2 डिजिट छड के पॉइंट लाओगे, 2 डिजिट छड के असी जे मगर 0 ला देंगे तो आफ्टर पॉइंट 0 का कोई भी मीनिंग नहीं होंदा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानू दसना चाहनी हाँ, मान लो 5.0 लिखिया, जो मैं पॉइंट हटा आफ्टर पॉइंट किन्ने डिजिट आ 1, तो मैं हेठा 1 0 लगा दूंगी, जो मैं पॉइंट हटाया 0 × 0 कैंसल, रहता 5 ही गया, इस करके असं बोलेंगे कि आफ्टर पॉइंट 0 का कोई मतलब नहीं होंदा, ठीक है, ये कला ही 5 आ, तो यह लॉजिक मैं तुम्हें दसता कि किमें होंदा, तो यह आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, अगे असं करते हैं नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, अगे असी नैक्सट सम करते हैं, नैक्सट सम दे विच तुसी देख सकते हो 24 का किन्ने प्रतिशत, 24 का दा की जगह पर गुणा, प्रतिशत की जगह पर 100 लगाना वा, ठीक है। पिन नू असी, मैं तुहानू पहला भी दस्या सी जदों असी सम नंबर 4 किया सी कि पिन नू किवें तोड़ना वा, 11 × 22 + 2 24 / 11 गुणा 1331। हुण मैनूं पता है कि जिहड़ा 1331 आ उह 11 दी क्यूब हुंदा, मतलब 11 × 11 121 × 11 1331 हुंदा, ठीक है, क्योंकि जे मैं तुहानूं भी बोलिया कि 1 to 10 तक तुसीं क्यूब करोगे 11-12 दी, तां अपने आप ही पता लग जांदी है वी किन्नी हो सकदी है, ठीक है। उस तों बाद तुसीं क्वेश्चन मार्क जिहड़ा फाइंड आउट करना वा, तो उस तो पहला तुसी की करना, इतने दिता हुआ तुहानू 24, हुण मैं इहनू 11 × 11 × 11 लिखूंगी, 1 11 कैंसल हो जाना, रह के जाना कला 121, ठीक है, 11 × 11 कैंसल हो जाएगा ना, जो मैं इनू 11 × 11 × 11 तोड़ के लिख लूँगी, 11 × 11 कैंसल, 11 × 11 गुणा करेंगे 121 · 24 हो रहा, क्वेश्चन मार्क असी फाइंड आउट करना, 100 इधर डिवाइड हो रहा दूजे पासे जाके की होगा गुणा, तो इधर देखो 24 मल्टीप्लाई हो रहा, तो इधर आके की हो जाएगा भाग, 24 × 24 कैंसल, ठीक है, इधर 24 मल्टीप्लाई हो रहा दूजे पासे जाके भाग ही होंगे, तो 121 नाल गुणा हो रहा 100, तो मैं तुहानू पहले ही सिखाया हो 121 + 1 = 121 हो गए, तो नाल दो जीरोज भाई उन्होंने लगा दो, तो ऑप्शन तुहाडी होवेगी इहदे विच राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगे असी करते हैं नैक्सट सम, 260 का 15%। हाँ जी, 6 सम देख सकते हो तुसी, 260 का 15%, 260 का दा दी जगह पर गुणा, 15% मतलब 100 −125 का 32%, 32%, ठीक है, 32% मतलब दा दी जगह पर तुसी पाउणा गुणा 32% दे मतलब 100 क्वेश्चन मार्क नाल प्रतिशत लिखिया 100 कर दो, क्योंकि प्रतिशत लिखिया ना तो 100 लगा लिया मैं। हाँ जी, हुण तुसी देखो तिना दे विच ही 100 100 आ, 3 टर्म्स बन रही ना, 1 माइनस वाली पई है, 1 पई है, 1 तिना दे हेठा 100 आ, 100 आपस च कैंसल हो गया, हुण तुसी 15 नू 26 नाल करा गुणा करोगे, 5 × 1 = 30, तो इतने तुहाडे कोले बनेगा 390 नाल 0 रुपया 0 लगा लो, माइनस 125 नू तुसी 32 नाल गुणा करोगे, 5 × 2 = 10 ते 0, उस तो बाद तुहाडे कोले आ जाणा मैं इत्थे 40, तो मतलब जो तुसी 3900 चों 4000 माइनस करोगे, सब तो पहला की है प्लस माइनस की होंगे, माइनस मतलब माइनस होंगे तो मतलब तुहाडे कोले आंसर किन्ना होगा 100, पर हुण वड्डे साइन हमेशा वड्डे का लगता होंदा, वड्डा केड़ा वा 4000, 4000 अगे की है माइनस, तो तुसी साइन लगाओगे माइनस का, तो ऑप्शन माइनस दी है तुहाडे कोले ऑप्शन नंबर बी कि माइनस का 100 आंसर तुहाडा आ, ठीक है। अगे असी करते हैं जी नैक्सट सम। हाँ जी, नैक्सट दे विच तुसी देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 दिता है तुहानू, 560 का 35%, 560 का दा दी जगह पर गुणा 35% वटा मतलब 100
प्लस क्वेश्चन मार्क अगे 30 बटा 100 612 दा दा दी जगह ते गुणा 40 बटा 100। हुण फिर सेम एज इट इज तिन्ना दे विच ही की है हेठा डिवाइड आ तो 100 कैंसल हो जूगा क्योंकि तिन्ना दे विच कॉमन आ, कॉमन कढोगे तो कैंसल होवेगा। ठीक है, अगे जो तुसी 35 नू 60 नाल गुणा करोगे तो तुहाडे कोले बनेगा इत्थे 35 नू 60 नाल गुणा करोगे तुहाडे कोले बनेगा 1960 नाल 0 पईआ तो तुसी 0 लगा दोगे। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह पर तुसी कोई भी वेरिएबल ले सकते हो गुणा 30। अगे 612 नू तुसी 40 नाल गुणा करोगे 4 दूनी 8 1 4 6 चौका 24 24,480 तुहाडे कोले आंसर बनेगा। पर आंसर नहीं बोल रही, 612 गुणा 40 बोल रही हाँ। ठीक है, तो उस तो बाद तुसी देखो 24,480 दे विचों तुसी इधर 19,600 इधर प्लस का वा, दूजे पास जाके माइनस का हों, इधरों असी माइनस करांगे 19,600। ठीक है, जो तुसी 24,000 चो 19,600 माइनस करोगे तो तुहाडे कोले इत्थे बनेगा, इत्थे तुहाडे कोल आ जाणगे 23 चो असी 19 माइनस करांगे तो 4 आ जाणगे, 48,80 आ जाएगा। ठीक है, नाल क्वेश्चन मार्क गुणा 30 आ जो इत्थे पिया वा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क असी फाइंड आउट करना, 30 दे नाल गुणा हो रहा इधर जाके भाग होगा, 0 नाल 0 कैंसल, तो इत्थे 488 नू तुसी 3 नाल की करना वा डिवाइड, यही हो रहा। तो जो तुसी 3 नाल डिवाइड करोगे 1 3 30 6 3 18। ठीक है, फिर उपरों 8 उतारोगे 2 ते जाएगा, 2 3 6 होंगे हेठा आ गया 2। मैं मिक्स फ्रैक्शन लिखन के लिए डिवाइड तुहाडे सामने की आ, जो तुहाडा डिवाइजर आ जिहदे ते डिवाइड कर रहे हो तो हेठा ही रहेगा, जो आंसर आया उन्होंने साइड पर लिख दो, जो बाकी बचे उन्होंने उपर। तो देखो ये कोई ऑप्शन है साढ़े को, हाँ जी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगे असी करते हैं नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 26 + 936। वेरी वेरी ईजी, तुहानू होमवर्क भी दे सकती हाँ मैं, तुसी होमवर्क की आ वीडियो नू रोक के खुद करन दी कोशिश करो। 26 + 936 डिवाइडेड बाय 26, पहले असी डिवाइड ही खत्म करना होंदा, अगे क्वेश्चन मार्क, हाँ जी इहनू अगे सॉल्व कर लो, तुसी इहनू 26 ते डिवाइड करोगे। जेकर तुहानू 26 ते डिवाइड करना नहीं आता ना, तुसी छोटे तो छोटे टेबल ते कर लो, तुहानू पता 13 दे भाड़े च 26 आता, 13 × 13 13 × 26 13 × 7 = 91 दो रह जाने, मगर फिर 13 × 26 72 नू असी 2 ते वंडांगे, 3 × 6 6 × 12। ठीक है, तो तुहाडे कोले किन्ना बन गया 36 + 26 6 6 12 3 3 6 62 आंसर आ जाना, 62 ऑप्शन हैगी आ ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, इस दे नाल ही साडी अज दी ये वीडियो खत्म हुंदी है, ते वीडियो तुहानू किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना, जेकर वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ वीडियो नू लाइक अते शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।